नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको पावर कॉस्ट के फॉर्मूले को एक्सप्लेन किया था, समझाया था। अब उसी फॉर्मूले को यूज़ करके हम पावर कॉस्ट निकालना सीखेंगे। उसी से रिलेटेड हम आपके सामने एक सिंपल प्रॉब्लम लेके आए हैं, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि आखिर कितना कैसे पावर कॉस्ट निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने देखिए एक क्वेश्चन मैंने लिख रखा है। इफ अ 300 mm वेल्ड बिट इज मेड बाई अ आर्क वेल्डिंग ट्रांसफार्मर सेट इन अ 6 मिनट, एज्यूम द फॉलोइंग डाटा एंड कैलकुलेट पावर कॉस्ट। यानी कि यदि आर्क वेल्डिंग ट्रांसफार्मर सेट के द्वारा 6 मिनट में 300 mm का लंबा वेल्ड बिट बनता है, तो निम्नलिखित डाटा को मानकर पावर कॉस्ट ज्ञात करें। अब देखिए इसमें डेटा क्या क्या दिया हुआ है, डेटा भी देख लेते हैं। वोल्टेज दिया हुआ है, वोल्टेज यानी कि गिवन डाटा देख लेते हैं। डाटा दे क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। भी दिया हुआ है, वोल्टेज यानी कि भी कितना दिया हुआ है, 30 वोल्ट। उसके बाद आपको करंट दिया हुआ है, करंट यानी कि ए कितना दिया हुआ है, 250 एम्पियर। और उसके बाद क्या दिया हुआ है, पावर चार्ज, पावर पावर चार्ज दिया हुआ है, वो कितना है, 0.50 रुपीज पर किलो वाट आवर दिया हुआ है। मैं उस वीडियो में पहले ही बताया था कि ये जो जो यूनिट पर मैं आप लोगों को पहले वीडियो में आप लोगों को बताया था, देखिए कि रेट पर यूनिट जो होगा वो जो होगा किलो वाट आवर में ही आएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में आ गया है, तो हमें क्या मिल गया, वी मिल गया, ए मिल गया और रेट पर यूनिट मिल गया। इसमें देखिए टी भी दिया हुआ है, 6 मिनट में बनता है। देखिए 6 मिनट यानी कि टी बराबर 6 मिनट। उसमें आप लोग बताया भी था कि टी का जो भी वैल्यू रखना होगा वो मिनट में ही रखना होगा, आवर में नहीं रखना होगा। तो इसमें इजी है, 6 मिनट में दे रखा है, 6 मिनट ही दे रखा है, तो हमें कोई कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब लेकिन और एक चीज़ छूट रहा है, वो छूट रहा है कि कहीं इफिशियंसी का जिक्र नहीं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि पावर कॉस्ट बराबर होता है भी इंटू ए अपॉन में 1000 × 1/E इंटू टी बाई 60 इंटू रेट पर यूनिट। ठीक है, तो रेट पर यूनिट मिल गया, टी मिल गया, भी ए मिल गया, भी मिल गया, लेकिन ई नहीं मिला। तो आप लोग पीछे रिमाइंड करिए थोड़ा सा वीडियो को, पीछे वाला वीडियो को अगर आपने देखा होगा ढंग से, तो उसमें मैंने बताया था कि अगर इफिशियंसी नहीं दिया गया है तो क्वेश्चन में जरूर कुछ ना कुछ हिंट देगा। तो देखिए यहाँ पे हिंट दे रखा है, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर सेट है। क्या सेट है, ट्रांसफार्मर सेट है। तो मैंने बताया था कि वेल्डिंग ट्रांसफार्मर सेट के लिए फोर फोर ट्रांसफार्मर सेट ई इक्वल टू 0.6 एंड 4 जनरेटर सेट ई इक्वल टू 0.25। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो जनरेटर सेट तो दिया नहीं है क्वेश्चन में। देखिए वेल्डिंग ट्रांसफार्मर सेट दिया है, इसका मतलब कि हमारा ई कितना होगा, 0.6 होगा। तो लगभग हमें पूरा डाटा मिल चुका है। अब हम इसको पावर कॉस्ट वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे और सिंपल मैथमेटिक्स यूज करके कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखते हैं पावर कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, एक बार लिख लेते हैं। पावर कॉस्ट को मैं पीसी लिखता हूँ, पीसी बराबर भी इंटू ए अपॉन में 1000 × 1/E इंटू टी बाई 60 इंटू रेट पर यूनिट चार्ज। ठीक है, ये चीज हो गया। तो अब वैल्यू पुट करते हैं, तो भी कितना है, 30 है। ए कितना है, 250 है, 1000 हो गया। ई मालूम हो गया, 1/0.6 हो गया। अब मैं इसको बताया था कि इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, किलोवाट में होगा, किलोवाट इंटू टी कितना दे रखा है, 6/60। तो इसका जो क्या होगा, आवर में, क्योंकि ये टाइम है तो आवर में होगा। और इसका जो होगा, 0.5 रुपीज पर किलोवाट आवर। ठीक है, तो इतने जो
ये यहां से यहां तक चीज, इसको पावर है तो इसको किलोवाट में इसका होगा यूनिट, ये टाइम है तो आवर में होगा, और ये आपका कंजप्शन है तो इसका जो होता है रुपीज पर किलोवाट होता है, ठीक है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं इसको और देखते हैं कि क्या होता है। तो अब सिंपल सा कैलकुलेशन करके हम लोग देखते हैं क्या होता है। यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, 25 75, यानी कि आपको 75/10 into 1/0.6 किलोवाट ये हो जाएगा, इंटू 6 7 6 10 1/10 आवर्स, और ये एज इट इज रहेगा 0.5 रुपीज पर किलोवाट आवर, ये ऐसे ही रहता है, ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे कर लेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे, फिर से इसको सॉल्व करते हैं। तो 75/6 हो जाएगा, ठीक है, किलोवाट इंटू 1/10 आवर्स हो जाएगा, इंटू 0.5 रुपीज़ पर किलोवाट आवर। पिछले वीडियो में बताने का मेरा यही मकसद था, यही चीज़ हम लोगों को देखना था कि कैसे आएगा। अब देखो यहाँ पे किलोवाट है, यहाँ पे आवर है, किलोवाट और आवर में मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या होगा, 75 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 75 ही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, 75 किलोवाट, और ये यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 60, और ये आवर इसमें जुड़ जाएगा तो ये एच हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका 75/60 किलोवाट आवर हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.5 रुपीज़ पर किलोवाट आवर, ठीक है। तो नेक्स्ट आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा है। अब यहाँ से तो अब हम लोग देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगर हम लोग साफ साफ लिखते तो 75/60 किलोवाट आवर, देखिए यहाँ पे ये किलोवाट और आवर में मल्टीप्लाई हो गया तो किलोवाट आवर हो गया, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, 75/60 किलोवाट आवर इंटू 0.5 रुपीज़ पर किलोवाट आवर। अब देखिए ये चूंकि बटे में है तो यहाँ से ये किलोवाट आवर कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 75, ठीक है, इंटू 0.5 रुपीज़ डिवाइडेड बाई 60, ये बचेगा। तो अब 75 में 0.5 का अगर भाग गुणा करते हैं, तो कितना आता है, 37.5, आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, RS/60। अब इसमें जब हम 60 का भाग लगाएंगे तो हमारा जो पावर कोस्ट निकलेगा, PC निकलेगा, वो कितना निकलेगा, 0.625 रुपीज़, ठीक है। यानी कि पावर कॉस्ट कितना निकला, कॉस्ट इक्वल टू 0.625 रुपीज़। यानी कि अगर हम लोग अपने ट्रांसफार्मर सेट को 6 मिनट चलाते हैं तो, और अगर हमारा पावर चार्ज 0.50 है तो उस हिसाब से हमारा जो कॉस्ट लगेगा वो 0.625 रुपीज़ लगेगा। तो इसी तरह से हम लोग चाहें तो 1 घंटे का निकाल सकते हैं, 2 घंटे का निकाल सकते हैं, 3 घंटे का निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट और क्वेश्चन लेके आएंगे, बनाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, घर में रहें, सुरक्षित रहें, जय हिंद।